नमस्कार, मैं रजत हूं और आप जुड़ चुके हैं ललन टॉप के साथ। मध्य प्रदेश में एक फॉरेस्ट रेंजर ने एक दलित व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना शिवपुरी जिले के फतेहपुर गांव की है। मृतक की पहचान मदन बाल्मीकि के रूप में हुई है। मदन की बेटी ने 16 फरवरी को हैंडपंप से पानी भरा था, इसे लेकर उसके परिवार और फॉरेस्ट रेंजर के बीच में झगड़ा हो गया। मदन बीच बचाव के लिए सामने आए तो रेंजर ने कथित तौर पर उन्हें गोली मार दी। मदन की पत्नी सरोज ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि उनकी बेटी हैंडपंप से पानी भर रही थी और बर्तन धो रही थी। पास में ही फतेहपुर फॉरेस्ट चेक पोस्ट है, यहाँ तैनात रेंजर सुरेश शर्मा ने उनकी बेटी को गालियां दी। सरोज ने बताया, मेरी बेटी ने अधिकारी से गाली नहीं देने को कहा, इस पर एक महिला अधिकारी ने उसे बाल से पकड़ कर खींचा। इस बारे में जब मेरे पति को पता चला तो वह बीच बचाव के लिए दौड़ कर आए, लेकिन उन्हें गोली मार दी गई। फॉरेस्ट विभाग ने शुरू में गोली चलाने का बचाव किया। उसकी ओर से कहा गया कि फॉरेस्ट गार्ड अतिक्रमण दूर करने वाली टीम में शामिल था। इस दौरान गांव वालों ने बंदूक छीनने की कोशिश की थी, ऐसे में गोली चलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद गांव वालों ने पुलिस थाने के सामने प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने फॉरेस्ट गार्ड सुरेश शर्मा सहित 15 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर दिया है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। फॉरेस्ट विभाग ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है। इस मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कमलनाथ सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सूबे में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। शिवराज सिंह सरकार में मंत्री रहे विश्वास सारंग ने इंडिया टुडे से कहा, हाल ही में सागर में एक दलित युवक को जला दिया गया, अब एक दलित को हैंडपंप से पानी लेने पर फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने गोली मार दी, इससे राज्य में दलितों की हालत पता चलती है, साथ ही राज्य सरकार के प्रति उनका व्यवहार भी पता चलता है। बीजेपी ने दलितों के मसले पर विधानसभा के आगामी बजट सेशन में स्थगन प्रस्ताव लाने की भी चेतावनी दी है। इस मामले पर जो भी अपडेट होगी दी ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। आप बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। और हमसे जुड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है दी ललन टॉप के एंड्रॉयड ऐप, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कविता कहानी के डेली डोज के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें हमारा हैंडल latak.lalantop। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी ललन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।